की जो एंट्री रहेगी वो यहाँ से रहेगी। जो पहला बेडरूम आ रहा है वो हमने चिल्ड्रंस रूम दे रखा है। चिल्ड्रंस रूम की साइड बगल वाले ने वॉशरूम किधर दे रखा है, जिसकी वजह से आपको सीलन होने के चांस एक बार को आ सकते हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग एक और वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 600 स्क्वायर फीट का प्लान, जिसकी डायमेंशन रहेगी 15 फीट बाय 40 फीट। सो जिनकी गहराई 40 फीट होती है और जिसको 600 स्क्वायर फीट का मकान या प्लॉट लेना होता है, वो किस तरीके से नक्शा बना सकता है, जिसका फ्रंट रहेगा 15 फीट और लंबाई रहेगी उसकी 40 फीट, वही हम आपके सामने आज लेके आए हैं और वही आप लोगों के साथ हम प्लान डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने 600 स्क्वायर फीट में दी है 15 बाय 40 की लेंथ में। सो चलिए हम लोग आप लोग के सामने प्लान डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि 600 स्क्वायर फीट में हमने क्या क्या रूम साइज़ दिया है, क्या टॉयलेट का साइज़ दिया है, क्या किचन का साइज़ दिया है। सो चलिए, सो गाइस देखिए, प्लान आपके आंखों के सामने है और ये प्लान है हमारा जिसको हमने डिज़ाइन कराया है 600 स्क्वायर फीट में। जिसकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट जो हमारी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट रहेगी और जो लेंथ की बात करें तो देखिए यहाँ पे 40 फीट हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। सो अब हम बात करते हैं पहले मेन एंट्री की। तो मेन एंट्री हमारी देखिए यहाँ से मेन एंट्री हमारी हो रही है और यहाँ से एंट्री करते ही देखिए सामने आपको स्टेयरकेस मिल जा रही है, जो कि स्टेयरकेस हमने इस तरीके से दे रखी है, यू टर्न होते हुए पूरी ऊपर जाएगी। और फ्यूचर में कभी किसी ने ऊपर घर बनाया और उसको रेंट पे उठाया तो कोई भी ऊपर वाला गेस्ट जो रहेगा वो यहीं से ऊपर चला जाएगा और यहीं से नीचे उतर के बाहर निकल जाएगा और नीचे वाले फ्लोर में कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो सेप्टिक टैंक भी हमारे स्टेयरकेस के नीचे ही यहाँ पे सेप्टिक टैंक आ जाएंगे। दो सेप्टिक टैंक हमारे इस तरीके से बन जाएंगे और जो भी इसका आउटलेट रहेगा वो यहीं से हमारा पाइप कनेक्ट होके सीधे बाहर नाली से कनेक्ट होके सीवर लाइन में पहुँच जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेन एंट्री की। रूम में जो मेन एंट्री हमारी रहेगी वो देखिए यहाँ पे हमने मेन एंट्री दे रखी है। तो पहली एंट्री होते ही सीधे हम आते हैं ड्राइंग रूम के अंदर और ड्राइंग रूम का जो साइज़ दे रखा है वो हमें देखिए 7 फीट 10 इंच इसका चौड़ाई रहेगी और 10 फीट 7 इंच इसकी लंबाई रहेगी। सोफ़े हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी स्पेस आपको मिल रही है आने जाने के लिए, वो भी आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा इस प्लान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सो देखिए यहाँ पे एक सिंगल सोफ़ा रखा हुआ है, एक सिंगल सोफ़ा यहाँ पे रखा है और एक 3 सीटर यहाँ पे रखा है। तो 5 सीटर सोफ़ा आप बहुत ही ईजिली इस ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन की। तो वेंटिलेशन के लिए देखें यहाँ पर हमने विंडो दे रखी है तो ईज़िली ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन जो रहेगा वो यहाँ से अंदर बाहर होता रहेगा। फिर हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर की। सो ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करते ही देखिए सबसे पहले तो हमको राइट हैंड पे किचन दिख रहा है। किचन की साइज़ की बात करते हैं तो 6 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 9 फीट इसकी लंबाई रहेगी। किचन में बात करते हैं तो एल शेप का देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने स्लैब लगा रखा है। और सिंक की बात करते हैं तो सिंक देखिए यहाँ पे हमने सिंक दे रखा है। और फिर गैस स्टोव की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए गैस स्टोव हमने ऑलरेडी दे रखा है। अब किचन की वेंटिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने विंडो दे रखी है तो यहीं से इसका वेंटिलेशन जो भी रहेगा निकल जाएगा और कभी किसी ने चिमनी लगाया तो चिमनी की जो पाइप रहेगा वो भी यहाँ से ईजिली बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने रेफ्रिजरेटर रख रखा है तो यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर भी आराम से रख जा रहा है। किचन के बाद हम बात करते हैं वॉशरूम की। तो वॉशरूम देखिए किचन के जस्ट सामने है, इसलिए हमने इसकी एंट्री यहाँ से ना दे के OTS है होते हुए हमने यहाँ पे एंट्री इसकी दे रखी है। वॉशरूम की साइज़ की बात करते हैं तो 4 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फीट 8 इंच इसकी लंबाई दे रखी है, जिसमें हमने एक देखिए आपका टैप लगाया है और एक हमने यहाँ पर WC लगा रखी है। और इसके वॉश बेसिन की बात करते हैं तो OTS में हमने बाहर यहाँ पर वॉश बेसिन लगा रखा है। और अगर OTS की साइज़ की बात करते हैं तो OTS का साइज़ देखिए हमने 4 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। वॉशरूम के वेंटिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ईजिली देखिए OTS है तो यहीं से इसका आराम से ऊपर दरवाजे के ऊपर डोर वेंटिलेशन लग जाएगा और यहाँ से OTS से इसका वेंटिलेशन आराम से होता रहेगा। अब हम बात करते हैं बेडरूम्स की। तो देखिए बेडरूम की जो एंट्री रहेगी वो यहाँ से रहेगी। जो पहला बेडरूम आ रहा है वो हमें चिल्ड्रंस रूम दे रखा है। चिल्ड्रंस रूम की साइज़ की बात करते हैं 10 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 9 फीट इसकी लंबाई रहेगी, जिसमें देखिए आपका हमने बेड डाल रखा है, वार्डरोब डाल रखी है।
उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक वाइड पैसेज दे रखा है जो गैलरी है जो कि पीछे आपके मास्टर बेडरूम में जाएगी। करते हैं पैसेज की, तो पैसेज का जो साइज हमने दे रखा है वो देखिए 3 फीट 6 इंच इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और यहीं से पीछे मास्टर बेडरूम में जाने का हमने रास्ता बना रखा है। और जो ये वाइड पैसेज रहेगा इसके ऊपर रहेगा जाल जिसको हम OTS भी कहेंगे और पूरे घर में आपको रोशनी भी ये प्रोवाइड करेगा, प्लस मास्टर बेडरूम में भी आपको ये लाइट प्रोवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए डोर लगा हुआ है। डोर की हाइट जो रहेगी वो 7 फीट रहेगी और 7 फीट के ऊपर हम 1.5 फीट का वेंटिलेशन देंगे। वेंटिलेशन के साथ साथ यहाँ पर जो OTS लाइट आएगी वो सीधे आपके मास्टर बेडरूम में एंटर करेगी। अब मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो मास्टर बेडरूम देखिए हमने सबसे पीछे दे रखा है। मास्टर बेडरूम की जो साइज़ की बात करते हैं वो देखिए 14 फीट 3 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी और 9 फीट 6 इंच हमारी जो इसकी रहेगी लंबाई रहेगी। मास्टर बेडरूम में देखिए हमने यहाँ पे बेड दे रखा है, आपको 2 सोफे दिखा रखे हैं, यहाँ पे आपको वार्डरोब दिखा रखी है। इसके अलावा अगर आपको ड्रेसिंग टेबल डालनी है तो ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे आप इजीली तरीके से डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोर और विंडो की, तो डोर जितनी भी देखिए यहाँ पे जो आपको मास्टर बेडरूम में दिख रहा है इसकी डोर की जो साइज रहेगी वो 3 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 7 फीट इसकी हाइट रहेगी और 7 फीट के ऊपर हम 1.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेशन देंगे ताकि लाइट प्रॉपर हमारे मास्टर बेडरूम में चली जाए। और अगर चिल्ड्रंस रूम की बात करते हैं तो चिल्ड्रंस रूम में हम भी वही सेम चीज़ करेंगे, 3 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और हाइट की बात करते हैं तो 7 फीट इसकी हाइट रहेगी और 1.5 फीट का ऊपर वेंटिलेशन रहेगा ताकि OTS से लाइट चिल्ड्रंस रूम के अंदर इजीली जा सके। अगर हम बात करते हैं टॉयलेट के डोर की, तो टॉयलेट के डोर का जो साइज होता है वो हमारा 2 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहती है और 7 फीट हमारी इसकी लंबाई रहेगी और इसके ऊपर हम वेंटिलेशन देंगे ताकि वॉशरूम की जो भी स्मेल रहेगी वो देखें यहाँ से OTS से होते हुए वो ऊपर निकल जाएगी। अब गाइस हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कॉलम बताते हैं आपको, कॉलम हमने कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है। तो कॉलम की बात करते हैं देखिए, पहला कॉलम हमने यहाँ पे दे रखा है, दूसरा हमने कॉलम यहाँ पे दे रखा है, तीसरा हमने कॉलम यहाँ पे दे रखा है, चौथा हमने कॉलम यहाँ पे दे रखा है, पाँचवा हमने यहाँ पे दे रखा है, छठवा हमने यहाँ पे दे रखा है, सातवां हमने यहाँ पे दे रखा है, आठवां यहाँ पे और नौवां यहाँ पे। हमने 9 कॉलम ऑल टोटल दे रखे हैं 600 स्क्वायर फीट के प्लान में, जिसकी डायमेंशन की बात करें तो 9x9 इंच की यहाँ पे कॉलम रहेंगे जिसमें 4 स्टील बार पड़ेंगी आपके 12mm की, इसकी वजह से आपके मकान में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की बात करते हैं तो हमने जितनी भी वॉल ली है वो 4.5 इंची की वॉल ली है, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो ये वाली हो, चाहे वो इधर वाली हो। आउटर सरफेस भी हमने 4.5 इंची की वॉल ले रखी है ताकि आप देखिए इसकी फ्रंट जो रहेगा वो 15 फीट है। और अगर हम 9 इंची की चारों तरफ से वॉल लेते हैं तो इसमें साइज़ जो रहेंगे वो आपके थोड़े 4.5 इंची कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको स्पेस थोड़ी कम मिलेगी। और अगर आप 9 इंची की देना चाहते हैं आउटर प्रोफाइल तो दे सकते हैं, क्योंकि अगल बगल आपको नहीं मालूम है कि वॉशरूम किधर बना हुआ है, बगल वाले ने वॉशरूम किधर दे रखा है, जिसकी वजह से आपको सीलन होने के चांस एक बार को आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप 4.5 इंची के प्रोवाइड करते हैं या 9 इंची के प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। अगर 4.5 इंची देते हैं तब भी काम चल जाएगा आपका, अगर 9 इंची देते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की, जिसको छज्जा बोलते हैं। तो फ्रंट पे देखिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन दे रखा है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रोजेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि देखिए यहाँ पे अगर विंडो नीचे दे रखी है, सो रेनी सीज़न में क्या होता है कि बारिश की वजह से आपकी विंडो जो है अगर वुडन की दे रखी है तो वो ख़राब हो जाती है। से अगर जो प्रोजेक्शन आप बाहर निकालेंगे तो आपकी जो विंडो रहेगी उस पर डायरेक्ट पानी नहीं पड़ेगा और इसको ख़राब होने के कम चांसेस होते हैं। दूसरी बात करते हैं तो प्रोजेक्शन देने की, तो अगर आप ऊपर यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन देते हैं तो जो ऊपर जो यहाँ पे रूम बनाएगा तो वो एज इट इज़ यहाँ पे बालकनी के तौर पे ये प्रोजेक्शन उसका काम आएगा और आपका 2 फिट जो लंबाई रहेगी वो और बढ़ जाएगी घर की। सो ये प्लान जो हमने बनाया है वो नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग बना रखा है। अगर बाय चांस आपका यही प्लॉट साइज़ है या फिर आपका प्लॉट साइज़ को चेंज है तो आप हमारी टीम से संपर्क करके कॉल करके हमसे आप नक्शा बनवा सकते हैं, चाहे जो भी फेसिंग का होगा हमारी टीम आपके लिए प्रोवाइड करेगी सारे प्लान, सारे सेक्शन, सारे एलिवेशन, चाहे 3D व्यू हो, चाहे आर्किटेक्चर ड्राइंग हो, A to Z सारी चीज़ें आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो अगर आपको कभी भी प्लान बनवाना हो सो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।
सो गाइज अभी आपने देखा हमने 600 स्क्वायर फीट का प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ऐसे ही आपके लिए हम और भी प्लान लेके आते रहेंगे अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग साइज के, और आपको फ्रंट एलिवेशन भी बताएंगे और आपको 3D व्यूज भी बताएंगे इसी प्लान्स के आगे आने वाली वीडियो पे। सो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving